नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ में हरसिमरन कौर। आत्मा को मुक्ति मोक्ष भक्ति के समर्थ सदगुरु के अलावा और कोई नहीं दिला सकता। अवतारी शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती, वो तो धर्म की स्थापना और दुराचारियों के संहार के लिए आते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बाहर की जड़ पूजा इबादत से हर अलग अलग असली पूजा, जिससे देवी देवताओं के दर्शन हो सके। उनके लोकों से ऊपर सतलोक, जहां देवी देवता भी जाने के लिए तरसते रहते हैं, वहां पहुंचने का रास्ता बताकर, रास्ते पर चलाकर मंजिल तक पहुंचाने वाले वक्त के सर्व समर्थ पूरे संत सदगुरु परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने राठ हमीरपुर में 19 दिसंबर 2021 को अगहन पूर्णिमा के अवसर पर दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूके पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि महापुरुष समझाते हैं, बताते हैं, अगर लोग मान जाते हैं तो दया बरसा देते हैं, नहीं तो काल का रूप धारण कर लेते हैं। खुद कहा राम ने, काल रूप तिन कहूं मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जब कृष्ण ने कहा अब मैं जाना चाहता हूं, तब पांडवों को होश आया। जो सत्य है मौत और परमात्मा, उसी को लोग भूले हुए हैं। अब अपना धाम और उनका धाम कहां है? अपने धाम जाने के लिए त्रिकालदर्शी समर्थ गुरु की खोज कर रास्ता लेकर योग साधना करनी पड़ेगी। कितने दिन आपके साथ लगा रहा, कृष्ण ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम पूरा हो गया, अब कलयुग आ जाएगा, द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा। तब पांडव को होश आया, कहा भाई कृष्ण को भी जाना पड़ रहा तो हमको भी जाना पड़ेगा, आप किसी को होश है कि हमको ये शरीर छोड़ना है? किसी को होश नहीं, जो सत्य है वही भूल गए हो। मौत सत्य है, मौत तो सबकी आनी आनी है। अब देख लो, जिनको आप पूजते हो, भगवान मानते हो, राम कृष्ण मनुष्य शरीर में थे, वो भी चले गए, जितने भी आए मनुष्य शरीर में सब चले गए। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहाँ का नियम है। जैसे आपके समाज का, जाति का नियम है, जैसे आपके देश का नियम है, गांव का नियम है, प्रांत का नियम है, ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है। तो अनिल समझो, फिर उनको होश आया पांडव को, कहा महाराज फिर हम लोगों को मत छोड़ना, आप अपने साथ लेते चलो। उन्होंने जो टूक जवाब दिया, कहा तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की खोज करनी पड़ेगी, समर्थ गुरु की खोज करना पड़ेगा, उनसे रास्ता लेकर के योग साधना करनी पड़ेगी, तब तुम मेरे धाम जा सकते हो, अपने धाम जा सकते हो। अब अपना धाम और उनका धाम कहाँ है? आप ये समझो कि आपका जो ये धाम है, ये धाम नहीं है जहाँ जहाँ आप जाते हो, चित्रकूट धाम और जगन्नाथ धाम और यह बद्री का धाम, यह सब जो धाम है यह आपके धाम नहीं है। आपका धाम यानी समझ लो ऐसी जगह है, अपना घर ऐसी जगह है कि जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नाम की चीज नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। उनका धाम कौन सा था? त्रिकुटी धाम, जहाँ से वो आए थे कृष्ण का धाम वो था। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, तो टूक जवाब दिया, बहुत रोए चिल्लाए, बहुत विनती किया कि इतना दिन आपके साथ लगा रहा, इसी आशा में रहा कि जब चलेंगे लेते चलेंगे, लेकिन तो टूक जवाब उन्होंने दे दिया। कहा देखो भाई, अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो समय पर दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए आया करते हैं। गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हो। देखो गीता के चौथे स्कंद में 34वें श्लोक में यही चीज लिखी हुई है।